सफाई वाली दीदी शी सेड कि आप इनको ड्राइंग क्लासेस में क्यों नहीं डालते, एक रिस्ट्रिक्शंस आते थे कि ये मत खाओ वो मत खाओ, अरे चलो यार न्यूट्रिशन पढ़ ही लेते हैं। Hello, namaste, and welcome to SD Talks by SD Academia, the platform where we are appreciating upcoming women artists of India. We truly love them and their creation, and we call them SD Tribe. Hi, this is your host, Priya Gera, and today we are going to meet a phenomenal personality and a beautiful person inside out, Siddhi. Hi, Siddhi, how are you? Hi, ma'am. You're looking lovely. Thank you, ma'am. So, सिद्धि, इससे पहले कि हम कॉन्वर्सेशन शुरू करें आपके बारे में, आपकी लाइफ के बारे में, आपकी जर्नी के बारे में, यू नो आई रियली वॉन्ट कि आप हम सबको अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाएं, आप कहाँ से हैं, आप क्या करती हैं और आप किस सिटी से हैं। मैं कोलकाता से हूँ, मेरा नाम सिद्धि गोयल है, आई एम 28 ईयर ओल्ड एंड मुझे पेंटिंग और ये सब बहुत पसंद है। आई एम कनेक्टेड टू एस डी अकेडमिया एंड मुझे एनिमल्स और नेचर बहुत पसंद है। लवली, ओके सिद्धि, सो यू नो आपकी करंट जर्नी और आपकी करंट लाइफ के बारे में हम डेफिनेटली बहुत सारी बातें करने वाले हैं, बट आई रियली थिंक कि जो बचपन होता है ना, इट्स लाइक ए सीड, जिसे हम एक एक सॉइल के अंदर बोते हैं, फिर वो धीरे धीरे प्लांट बनता है, देन इट एक्चुअली ब्लूम इनटू अ बिग स्ट्रॉन्ग ट्री, है ना। तो बचपन से ही हर एक इंटरेस्ट की, हर एक चीजों की शुरुआत होती है। सो आई रियली थिंक कि अगर आप आर्ट में एंड डिजाइनिंग में अगर आप अभी इंटरेस्टेड हैं, तो ये कहीं ना कहीं हमारे बचपन का रोल है, हमारी बचपन की उन एक्टिविटीज का रोल है, जो टैलेंट, जो स्किल और योनर हम अभी तक सेलिब्रेट कर रहे हैं। सो आई रियली वॉन्ट टू नो हाउ सिद्धि इन चाइल्डहुड, आपका बचपन कैसा था? मेरा चाइल्डहुड वॉज रियली अमेजिंग, बहुत मस्ती करते थे, बिकॉज आई यूज टू स्टे इन अ जॉइंट फैमिली, सो इट वॉज लाइक फन। बट वो एक चीज होती है ना कि इतने सारे बच्चे होते हैं तो यू नीड टू स्टैंड आउट समवेयर, ट्रू दैट। पढ़ाई में अच्छा होता है, कोई स्पोर्ट्स में अच्छा होता है, कोई लॉट ऑफ थिंग। जो बर्थडे गिफ्ट में कलर पैक मिला था, वो बचपन में हमारे वो आता था ना जिसमें कलर पेंसिल्स होते थे, टेम्परा, रंगीला कलर्स, हाँ जी, उसमें वॉटर पेंट, कलर पेंसिल, क्रेयॉन, एक सेट आता था। मैं और मेरा भाई पूरा घर, वी आर मेकिंग इट लाइक कॉकरोच बनाया है यहाँ पे, ट्री बनाया है यहाँ पे, वो तो है ना। माई सफाई वाली दीदी शी सेड कि आप इनको ड्राइंग क्लासेस में क्यों नहीं डालते। दैट इज लवली सिद्धि। एंड डू यू रिमेम्बर कि आप बचपन में कोई स्पेशली आर्ट क्लासेस के लिए जाती थी? एक्चुअली आई हैव लर्नड वुलन क्रोचेट वर्क फ्रॉम माई ग्रैंडमॉम। That is lovely. तो कहीं ना कहीं से आपकी जो शुरुआत है वो हो ही गई, क्योंकि कोई एक ऐसा इंसान जरूर होता है लाइफ में जो आपके अंदर छिपा हुआ टैलेंट किसी ना किसी तरीके से पहचानी जाता है। बचपन की हम बात कर रहे हैं, बचपन का एक सबसे अनूठा और एक सबसे ज्यादा प्यारा जो पार्ट होता है वो हमारे पेरेंट्स होते हैं, उनकी कही बातें, उनके शेयर किए हुए थॉट्स और उनके दिए हुए कॉम्प्लीमेंट्स, स्पेशली उनका किया हुआ क्रिटिसिज्म समटाइम्स, वो हमें हमेशा याद रहता है। सो हाउ वाज योर पेरेंट्स सिद्धि, एंड उनका क्या टेक होता था व्हेन दे एक्चुअली सी यू क्रिएटिंग थिंग्स एंड पेंटिंग? माय मॉम शी इज ऑल द वे फ्रॉम नेपाल, एंड नेपाल ऐसी जगह थी जहाँ पे यू डोंट गेट दैट मच ऑफ एक्सपोजर उनके टाइम में। व्हाट शी यूज्ड टू डू, शी यूज्ड टू लाइक जो भी नया क्लास हो, भरतनाट्यम, कैलीग्राफी क्लास हो, कोई भी कहीं से भी उनको पता चले तुमको जाना है उस। देयर वाज दिस कैलीग्राफी टीचर, आई वाज जस्ट 4, वो मुझे कह रहे टीचर कि आपको पेंसिल पकड़नी नहीं आती, आप कैलीग्राफी करोगे। मॉम शी हैज ऑलवेज पुश्ड मी इनटू न्यू वैरायटी ऑफ स्टफ, कि नहीं बेटा करना ही है, कुछ नया सीखना है ताकि यू एक्वायर न्यू स्किल्स, हमारे थ्रू वो अपने डिजायर्स को फुलफिल कर रहे हैं। सो सिद्धि, जैसे पेरेंट्स, कजन्स, आपके सिबलिंग्स, ये सारे के सारे आपके चाइल्डहुड को स्पेशल बनाते हैं, यू नो एक आर्ट स्टूडेंट होने के नाते, एक आर्टिस्ट, एक बडिंग आर्टिस्ट होने के नाते, आपके पूरे के पूरे स्कूल लाइफ में आपकी आर्ट टीचर का एक बहुत बड़ा रोल होता है। So, do you remember any incident जो आपके आर्ट टीचर से रिलेटेड हो? तो आई स्टिल रिमेम्बर, मेरे घर पे वो सर आते, मतलब हम ग्रुप में सीखते थे, तो अच्छा, मतलब वो एक अटेंशन नहीं मिलता ना जब आप ग्रुप में करते हो। आई वॉज लाइक नॉट परफॉर्मिंग वेल, खाली दिमाग बैठोगे तो ज्यादा अच्छे से आप चीजें सीख पाओगे और True.
रिफाइन कर पाओगे. वेल सेड, वेल सेड. आई टोटली अग्री विद इट. एंड सिमिलरली आपने अपना करियर, अपना प्रोफेशनल करियर एज ए थेरेपिस्ट परस्यू करा. ऑल दो आई डेफिनेटली बिलीव दैट कि थेरेपिस्ट होना और थेरेपी देना आपका डेफिनेटली एक फोटे है एंड यू ट्रूली लव योर प्रोफेशन. बट साइड बाई साइड यू ऑल्सो वॉन्ट सक्सेसफुल आर्टप्रनोर. तो कभी अगर हम फ्लैशबैक में जाएं एंड हम जब आपके करियर की शुरुआत होने ही वाली थी, जब टाइम था टू चूज योर स्ट्रीम एंड टू चूज योर करियर, तो क्या फैमिली उतनी सपोर्टिव थी कि आप सिर्फ आर्ट में अपना करियर परस्यू करें? आई अप्लाइड फॉर गवर्नमेंट फाइन आर्ट्स कॉलेज. मेरा उसमें लाइक फर्स्ट लिस्ट या सेकंड लिस्ट में नाम आ गया था. ग्रैंडफादर वाज लाइक कंप्लीटली, मतलब लड़की हो कैसे करोगे, डू यू वांट ब्रेड बटर आउट ऑफ दिस. तो तब मुझे थोड़ा सा बुरा लगा. एंड ऑस्ट्रेलिया से भी कॉल आया था दैट आपको यहाँ स्कॉलरशिप में हम हायर करना चाहते हैं. हम अपने पेरेंट्स से ज्यादा आर्ग्यू भी नहीं कर सकते. यस, ट्रू दैट. हाँ ठीक है, कह रहे हैं तो अपने भलाई के लिए कह रहे होंगे. आई वॉज मोर लिसनिंग टू माई पेरेंट्स देन परसुइंग माई ड्रीम्स. बट आई थिंक सिधी, आप अपने पेरेंट्स को प्रूव करने के लिए आपने ये थेरेपिस्ट एज अ प्रोफेशन आपने अप्लाई करा एंड आप उसमें सक्सेसफुल हैं. आप अगर कोई भी पाथ चूज करें आप उसमें सक्सेस हासिल कर सकती हैं. एंड नाउ जब आपने उनको एक बार बता दिया है, आपने उनको दिखा दिया है कि आप कुछ भी कर सकते हो, सो नाउ आर्ट में आप एंटरप्रेन्योरशिप में अपने आप को दोबारा से प्रूव करके दिखाओ कि यस आई कैन अर्न ब्रेड एंड बटर वेरी इजिली आउट ऑफ इट, राइट? एंड सिधी, यू नो यू लिव इन कोलकाता एंड यू हैव अप्लाइड फॉर गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ फाइन आर्ट्स कोलकाता, विच इज अ वेरी पॉपुलर फॉर हिज आर्ट एंड कल्चर. तो आपके लिए आपकी लाइफ में आर्ट एंड कल्चर कितना मायने रखता है? इट इज लाइक पार्ट ऑफ मी, क्योंकि मैं ये बचपन से कर रही हूँ. मतलब इट इज लाइक लाइफ, क्योंकि मैं बचपन से ही आई वॉज इन टू दिस. अगर मैं एक तरीके से थोड़े स्पिरिचुअल वे में बोलूँ तो आई माई सेल्फ इज अ क्रिएशन ऑफ गॉड. मैं खुद एक आर्ट पीस हूँ. शांति निकेतन और समथिंग. इट्स जस्ट लाइक आप काली घाट जाओगे, यहाँ पे आपको काली घाट ओल्ड पेंटिंग्स देखने मिलेगी एंड दे आर लाइक टेलिंग स्टोरीज. I personally, Kali Ghat is my favorite art style. I truly love Kali Ghat Patachitra. They are my personal favorite even. I lived in Kolkata for almost 1.5 years in Didanagar. Even I shared with you, I guess. But yes, Kolkata is beautiful. And similarly, Sidhi, jaise life ke saath saath, jaise jaise zindagi aage badhti hai, bachpan se lekar adolescence tak, then adulthood, उस अकॉर्डिंग हमारी हॉबीज भी चेंज होती हैं. सो थ्रू आउट द टाइम आपकी कैसी हॉबीज चेंज हुई हैं? एक्चुअली मैं यही बोलूंगी कि मेरी मम्मा ने ये समवेयर मेरे अंदर फीड कर दिया. उनकी जो क्यूरियोसिटी थी नई नई चीजें सीखने की, उन्होंने बचपन से मुझे जो नई नई चीजें सिखाई, जैसे मैंने न्यूट्रिशन भी पढ़ लिया क्योंकि मुझे सब कहते थे आप वेट गेन कर चुके हो, अच्छा ये मत खाओ, अच्छा वो मत खाओ. आई एम लाइक अ वेरी फूडी पर्सन. पुचका और ये सब के बिना तो हमारा कोलकाता चलेगा नहीं. पुचका इज लव. जब से पुचका खाया तब से मुझे कोई गोलगप्पा पानी पूरी अच्छी ही नहीं लगती है. एंड एक्चुअली मेरे फ्रेंड्स है ना, वो इरिटेट हो जाते हैं. उनको पूछती यार अच्छी नहीं है पुचका, तो दे वर लाइक कि तू वहीं चले जा वापस, तू यहाँ पर क्यों खा रही है हमारे. हाउ टू टेल देम इट्स एक्चुअली वेरी डिलीशियस. नहीं, हाँ जी. और मतलब एक रिस्ट्रिक्शंस आते थे कि ये मत खाओ वो मत खाओ. लाइक चलो यार न्यूट्रिशन पढ़ ही लेते हैं. अच्छा जैसे हम लोग प्राणी हीलिंग में भी हम लोग जैसे ह्यूमन की हीलिंग करते हैं, तो आई वाज लाइक एनिमल हीलिंग कैसे हो. स्ट्रीट डॉग जिनकी फाइट में स्क्रैचेस आ जाते हैं, कुछ लोग क्रुएल्टी दिखाते हैं उनकी तरफ, आते पीटते हैं तो उनका बोन हेड कुछ ना कुछ टूट जाता है, उनको हम कैसे हील कर सकते. सो आई वाज डूइंग रिसर्च एंड एवरीथिंग. सो आई ऑलवेज हैड दैट क्यूरियोसिटी ऑफ नोइंग मोर. एंड आई थिंक एनिमल्स का दर्द समझना, उन्हें समझना, उनके लिए कुछ करना, इनिशिएट करना, आई थिंक एक रियल पर्सन, एक रियल इंसान की पहचान ही इसी से है. दैट इज सो सो अमेजिंग दैट यू आर actually doing so many things at very young age. और इतना कुछ करना, न्यूट्रिशंस को जाना, हीलिंग थेरेपी पे फोकस करना टू हील नॉट ओनली ह्यूमन बट एनिमल्स एज वेल. सो यू आर डूइंग अ ग्रेट जॉब सिद्धि. एंड मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट, अभी जो 28 साल की सिद्धि है,
उसमें और 10 साल पहले की सिडनी में कितना डिफरेंस है? दिस इज लिटिल अमेजिंग. मैं जब स्कूल में थी, आई वॉज में कोई लड़का होता था कि भैया इस लड़की को हम अप्रोच करें, ही नेवर यूज्ड टू अप्रोच मी, क्योंकि भैया लड़की मार्शल आर्ट्स में है और माय डैड ही इज फ्रॉम हरियाणा. स्कूल कॉलेज में पीपल नेवर यूज्ड टू मेस अप विद मी. पूरा खौफ था. हाँ, मतलब उनको था कि भाई. ओके, एंड सिमिलरली लाइफ आपको कभी ना कभी कुछ ना कुछ हर एक तरीके से सिखाती है. सो अभी तक ऐसा कौन सा लेसन है जो आपको अपनी आपकी लाइफ में सिखाया है और वो लेसन आपकी जिंदगी में आपको हमेशा याद रहेगा? माय डैड ही सेड कि तुम कोई एक चीज करो, वो भी परफेक्टली करो, वो सही रहे, बिकॉज यू विल क्रिएट अ मेस आउट ऑफ योर 10 डिफरेंट थिंग्स इज गुड, बट आप कोई एक चीज में स्पेशलिटी करें वो ज्यादा अच्छा है. जिस चीज को आप एंजॉय करें वो चीज में स्पेशलिटी. सीइंग पीपल सफरिंग, सीइंग पीपल क्राइंग. मैं जैसे स्लम एरियाज में जाती थी, उनके बच्चों को पढ़ाना, उनके अंदर वो अवेयरनेस लाना, वो एक प्राउड फील होता है, लाइक आई फील लाइक मदर की हाँ भाई देखो मेरे बच्चे हैं, मैं इसे गर्व से कह सकती हूँ. Yes, एंड सिमिलरली सिटी, आजकल के टाइम पर लोग फाइनेंशियल फ्रीडम की बात करते हैं, टू बिकम फाइनेंशियली फ्री इंडिपेंडेंट एंड टू एक्चुअली अर्न देयर ओन मनी, जो वो बिना किसी झिझक के, बिना किसी शर्म के स्पेंड कर सके. सो आपकी लाइफ में फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस कितनी ज्यादा इम्पोर्टेंट है? फाइनेंशियली इंडिपेंडेंस होना इज वेरी नेसेसरी नाउडेज. बीइंग अ गर्ल, बीइंग अ वुमन, इट इज, इट गिव्स यू एम्पावरमेंट. मेन मोटो है आई वांट टू लाइक अर्न, बिकॉज मेरे पास और भी बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो रास्ते में तकलीफ में है. आई वॉन्ट टू क्रिएट पोस्टर फॉर देम. आई वॉन्ट टू लाइक क्रिएट अ ओल्ड एज यूथ होम. दैट इज वेरी ब्यूटीफुल, वेरी ब्यूटीफुल सिटी. एंड फाइनेंशियली इसी वजह से होना. दैट इज अमेजिंग, दैट इज ट्रूली ट्रूली अमेजिंग. नाउ थोड़ा सा फ्लैशबैक में हम जाते हैं, दैट पीरियड 2020 पेंडेमिक कोविड, जहाँ पे पूरा का पूरा वर्ल्ड एक क्योस के अंदर था. दर उस टाइम के अंदर एंजाइटी, स्ट्रेस, डिप्रेशन जैसी बहुत सारी चीजें थी जो हर एक इंसान फेस कर रहा था. उससे अपने आप को रिडीम करने के लिए वो कहीं ना कहीं आर्ट, पेंटिंग, राइटिंग, डांसिंग, इन सब चीजों का सहारा ले रहा था. सो सिद्धि का टाइम कैसा रहा 2020 में? कोविड के टाइम में तो वी प्राणिक हीलर्स वर इक्वली वर्किंग एज डॉक्टर्स. वी वर ब्लेसिंग एवरीवन कि किसी को कुछ नहीं हो किसी के फैमिली में. एंड समवेयर इट वाज लाइक मेरे खुद के फैमिली में एवरीबॉडी वाज सफरिंग विद कोविड. वाज जस्ट मी एंड माय ब्रदर हु डिड नॉट हैव कोविड. उसमें भी सारे मजाक उड़ा रहे कि भैया इन दोनों को ना क्वारंटाइन करो, हम तो सारे घर में घूमेंगे. मुझे कभी कभी ये चीज बुरी लगती है कि हमारे जो टीचर्स है, सेशन खत्म हो गए, क्लास खत्म हो गई, उसके बाद भी 2 घंटे वो इन्वेस्ट करके हमारे डाउट्स लेते हैं. मैंने एक बार है ना सर को भी ऐसे, शरद सर को पूछ लिया था, सर आप रेस्ट कब लेते हो, इतनी देर से आप बोल रहे हो, आप थक नहीं रहे? फिर हम क्लास में भी मस्ती मजाक करते रहते, कुछ ना कुछ पूछते रहते. इट्स लाइक व्हेनेवर यू अप्रोच देम दे आर ऑलवेज देयर टू हेल्प यू. मतलब कोई भी फैकल्टी देखो, कोई भी मेंटर को मैं देखूं, दे आर ऑलवेज लाइक अप्रोचेबल. यस 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 सिद्धि, थैंक यू सो मच एंड वी आर इक्वली ग्रेटफुल दैट यू आर ए पार्ट ऑफ एसजी एकेडमिया. And Siddhi, nowadays, social media is a hype. It's a great thing to explore yourself, to explore multiple artists in the world and to actually learn from different artists. So, क्या आप सोशल मीडिया पर हैं सबसे पहले और किस नाम से हैं? हाँ जी, मैं सिद्धि के नाम से ही हूँ. I keep scrolling to different artists and everyone. और काम से मुझे काम देख के मैं बहुत सारी चीजें सीखती हूँ, बहुत सारे मीडियम सीखती हूँ. सो आई फील कि हाँ आपको एक एक्सपोजर दे देता है. True. And Siddhi, you are going to participate in upcoming launchpad by SD Academia, where you are going to launch your brand globally. So, अब क्या कंसेप्ट लेकर आई हैं
और उस कंसेप्ट के पीछे की पूरी स्टोरी क्या है, एंड सिमिलरली जो आपके कस्टमर्स होने वाले हैं, जो कस्टमर्स आपके प्रोडक्ट्स बाय करने वाले हैं, वो आपके ब्रांड से क्या एक्सपेक्ट करें? मेरा ब्रांड नेम मैंने इलिशियन आर्टिस्ट्री रखा है, जिसका मतलब होता है यूनिवर्सल पैराडाइज। सो डीप। हमारे कस्टमर्स के लिए वी हैव लॉट ऑफ लव, स्माइल्स, हैप्पीनेस, ब्लेसिंग्स एंड गुड क्वालिटी प्रोडक्ट्स। एंड मुझे लगता है कि जो पॉजिटिव वाइब्स और जो एक्चुअली जेनरोसिटी आपके अंदर है, वही चीजें, वही पॉजिटिव वाइब एंड लव आप एक्चुअली स्प्रेड करने वाली हैं थ्रू आउट योर आर्ट प्रोडक्ट्स। एंड सिद्धि, ये लास्ट क्वेश्चन है मेरा कि हम हमेशा कुछ ना कुछ मैनिफेस्ट करते हैं अपने लिए, अपने आप के लिए। आप दूसरों के लिए बहुत ज्यादा सोचती हैं, एनिमल्स हो गए या फिर आपके आसपास के लोग हो गए, तो सिद्धि अपने लिए क्या सोचती है, अपने लिए क्या मैनिफेस्ट करती है? आई गॉट दिस फ्रॉम माय मदर। जब आप सबका ख्याल रखते हो ना, मतलब भगवत गीता में भी लॉर्ड कृष्णा सेज, व्हेन यू टेक केयर ऑफ माय पीपल आई टेक केयर ऑफ यू। ट्रू दैट, दैट इज वंडरफुल, वंडरफुल। इट वाज अ ग्रेट टॉकिंग विद यू सिद्धि। नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स टू आवर फन सेगमेंट, दैट इज रैपिड फायर राउंड। Okay, where you have to give me rapid replies. So let's start. Okay, so your first question: going on holiday or spending time with family? Spending time with family. Okay, who supports you more, mama or papa? Mama. You are a burger person or pizza person? Veggie person. Oh, kadak chai or garma garam coffee? Both. Okay, working with resin or working with paints? Both. Oh, you need to choose one, Siddhi. 2:1 resin or 3:1 resin? 2:1 resin. Okay. You are a night owl or early bird? Night owl. Great. Spending your money or spending papa's money? Spending papa's money. Perfect. Okay. Spending time on Insta reels or Insta stories? Insta stories. Okay. So last one, your favorite dialogue from Bollywood, which actually defines you. I don't have as such or specified something like that. मैं बताती हूँ आपका फेवरेट डायलॉग क्या है, कर्म कर फल की चिंता मत कर। ठीक है, सो दैट वॉज अ ग्रेट ग्रेट कॉन्वर्सेशन विद यू सिद्धि, एंड यू हैव शेयर्ड वेरियस मोमेंट्स एंड एक्चुअल वार्म लाइफ एक्सपीरियंसेस विच यू हैव एक्सपीरियंस्ड, एंड आई विश यू ट्रूली ट्रूली ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग लॉन्च पैड एग्जीबिशन बाय अस। सो आई विल सी यू देयर, टेक केयर, बाय बाय। थैंक यू सो मच।